अक्टूबर शुरू हो गया है, कुछ लोग नया काम शुरू करेंगे तो कुछ लोग नई खरीदारियां करेंगे। इसलिए नया कुछ करने से पहले आप अपनी राशि के बारे में जान लें। देवघर के ज्योतिषी के अनुसार अक्टूबर के महीने में कई ग्रह गोचर कर रहे हैं और इसका सीधा असर 12 राशियों पर पड़ने वाला है। वृषभ, मिथुन, वृश्चिक, धनु और मकर का टाइम पॉजिटिव रहने वाला है, तो वहीं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना मिला जुला रहेगा। सुनिए आपके लिए कैसा रहेगा ये महीना। अक्टूबर माह प्रारंभ होने वाला है। अक्टूबर माह में मेष राशि वालों का मिला जुला रहेगा। माह के पूर्वार्ध में रोजी रोजगार में कमी आएगी, चिंता विशेष रूप से होगी, लेकिन उत्तरार्ध आपका बहुत बढ़िया रहेगा। नौकरी यदि आप बदलना चाहते हैं तो बदलने का सुंदर अवसर आपको उत्तरार्ध में मिलेगा। वृषभ राशि वालों का यह महीना अक्टूबर का जो है वह उत्साह भरा रहेगा, सभी कार्य में सफलता होगी, आपका प्रारंभ बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। मिथुन राशि वाले का यह महीना सकारात्मक रहने वाला है, कैरियर कारोबार में उन्नति होगी और यदि आप परीक्षार्थी हैं या नौकरी चाहने वाले हैं तो आपका यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि वालों का यह महीना भाग दौड़ भरा रहेगा, जितना आप सोचे हैं उतना कार्य नहीं होगा, लेकिन उत्तरार्ध आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहेगा, आपका सोचा हुआ कार्य पूरा होगा। सिंह राशि वालों का पूर्वार्ध में उतार चढ़ाव होगा, लेकिन उत्तरार्ध अच्छा रहने वाला है, लेकिन आलस्य न करें, आलस्य करेंगे तो आपका खर्चे बढ़ेंगे। कन्या राशि वालों का मिला जुला रहने वाला है, न ज़्यादा लाभ न ज़्यादा हानि रहेगा, व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार से चल रहा है उस प्रकार से चलेगा। तुला राशि वालों का यह महीना जो रहेगा वह मिला जुला रहेगा, विरोधियों से सावधान रहें, विरोधी आपके ऊपर हावी होने वाला है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, उत्तरार्ध आपका कुछ अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों का यह महीना सकारात्मक रहने वाला है, कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति प्राप्त होगी, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका उन्नति निश्चित होगा। बीमारी यदि आपका बीमारी से जूझ रहे हैं तो बीमारी आपका इस महीने में समाप्त हो जाएगा। धनु राशि वालों का यह महीना मेहनत भरा रहेगा, यदि आप अच्छा मेहनत करेंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, आलस्य न करें, आलस्य करने से आपको हानि हो सकती है। मकर राशि वाले आपका यह महीना जो है संकोच के साथ इस महीने में कोई कार्य न करें, यदि आप संकोच के साथ करते हैं तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा, आप अपने को ऊपर विश्वास रखें कि हम जो करने जा रहे हैं वह अच्छा होगा, वाणी पर नियंत्रण रख करके कार्य करें और हनुमान जी की आराधना करें। कुंभ राशि वालों का मिला जुला रहने वाला है, यह महीना उतार चढ़ाव के साथ व्यतीत होगा, सावधानी बरतने की जरूरत है, कोई कार्य में शॉर्टकट न करें, आप विस्तार से करेंगे और हनुमान जी का आराधना आप निश्चित करें, आपका हनुमान जी की आराधना से सब अच्छा रहेगा। और मीन राशि वाले का यह महीना जो है बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है, यह महीना भी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि आपके द्वितीय स्थान में गुरु चंडाल योग लगा हुआ है, इसलिए सावधानी के साथ कार्य करें। आप हनुमान चालीसा इस महीना में 100 आवृत्ति यदि कर देंगे तो आपका कल्याण।